जानकारी दर्शकों को साथ ही साथ दे दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी। सीएम मनोहर लाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कई अहम मुद्दों पर सीएम जानकारी दे सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी पूरे प्रदेश की नजर कल रहेगी, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठकें रही। जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने बताया कि कृषि से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अहम बैठक हुई। सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर अहम बैठक हुई कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ और साथ ही बिप्लब देव के साथ। अभी फिलहाल बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। कई घंटों से बैठक जारी है, अभी फिलहाल बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है गठबंधन को लेकर, क्योंकि गठबंधन को लेकर जो है वो अटकलें अब लगने लगी हैं। अब ऐसे में कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाना है। सभी की नजर मुख्यमंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहने वाली है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, आज अहम बैठक जो है वो चल रही है बिप्लब देव के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। इससे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में मौजूद थे सूरजमुखी की एमएसपी खरीद को लेकर। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या कुछ मायने और आज जो ये बैठक रही इसके क्या मायने देखते हैं आप? देखिए, सीधे तौर पर एक बात यहाँ पर दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि आज जो ये बैठक हुई है काफी अहम बैठक इसको माना जा सकता है, क्योंकि करीब 7 बजे से ये बैठक जो है वो लगातार 9:45 बजे के आसपास तक ये बैठक जो है वो रही है। और इस बैठक में अगर हम बात करें तो खासतौर से जो किसानों का कुरुक्षेत्र के अंदर जो प्रदर्शन रहा, किसानों की जो सूरजमुखी की खरीद को लेकर के जो मांग रही, उन तमाम विषयों को लेकर के, और उसके बाद जिस तरीके से जो किसान नेता है उनको जेल में भी भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है ये तमाम अहम मुद्दे थे। क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो संजीदगी के साथ किसानों के जो तमाम मुद्दे हैं उन्हें जो है उनको समझना चाहती है और उनको सुलझाना चाहती है, और ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार भी कहीं ना कहीं उसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से अब चुनावी वर्ष में या फिर चुनावी समय में ऐसी कोई नाराजगी जो है वो बड़े स्तर पर ना बने कि सरकार के खिलाफ कोई मैसेज जाए, उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की बातों को समझते हुए और उनकी जो मनमानी या अड़ियल रवैया है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए एक जो जायज मांग है उसको सिरे चढ़ाने को लेकर के ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण थी। और अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की होने जा रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें भावांतर भरपाई को लेकर के जो 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी 4800 रुपए हैफेड जो है सूरजमुखी की खरीद पर दे रहा है और भावांतर भरपाई को लेकर के 1000 रुपए जो है सरकार अलग से दे रही है, यानी 5800 रुपए मिल रहे हैं। इस सीमा को भावांतर भरपाई की जो 1000 रुपए की जो सीमा है उसको कुछ जो है वो और आगे बढ़ाया जा सकता है, और किसानों से भी ये सहमति बनाई जा सकती है कि वो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो 6400 रुपए एमएसपी की मांग कर रहे हैं उससे कम के बीच का एक रास्ता जो है वो अख्तियार किया जा सके, ताकि सौहार्द भी बना रहे और सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता है वो एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बनी रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।